ये इंदिरा नगर में हम आ चुके हैं, ढूंढ ढूंढ के कुत्तों को, कहीं कुत्ते मिल गए, जहाँ बंदर मिल गई। गाय को तो खैर रोटी देना एक फॉर्मेलिटी है, गाय को तो हम दरवाजे दे देते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इंदिरा नगर का क्षेत्र जो है, अपने लिए चंद्रप्रयाद भी लेने आए थे। हमने कहा भैया हम ही नहीं जिंदा रहेंगे तो काम कैसे बनेगा। आज हमारा पास बन गया, तो पास बनवा करके कुत्तों के लिए, गाय को दरवाजे दे रहे हैं, बीच को दिया है। इसी तरह शहर के अंदर अगल बगल हमारे जो है 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कुत्ता मिल जाए, बंदर मिल जाए, जो मिल जाए उनको भोजन दे रहे हैं। क्योंकि अगर ये भूखे मर गए, कुछ हो गया तो सब बेकार हो जाएगा। बाकी यहाँ सामान घर से इनको मिल गया, दुकान से अपने घर में रखते हैं, दुकान तो खोलेंगे नहीं, तो घर में रखे थे। हमने कहा देव जो कुछ चूहे वूहे कुछ एक आधे को तट भी दिए। हमने कहा लाओ भैया सामान की सब मारामारी हो रही, कम से कम थोक भाव में सामान मिल जाएगा। तो यही हमने दिखाया, कहीं भी इसी तरह रास्ते में आगे घर तक जाएंगे, रास्ते में बहुत जगह कुत्ते मिलते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ खाना देते हैं। वो है वहाँ पर एक, यह है एक कुटिया है, इसके बच्चे अच्छे होंगे, दूध पिला रही, पेट में इसको कुछ रहेगा नहीं तो दूध कहाँ से पिलाएगी। तो ये है सब, इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपने अपने दरवाजे जो है कुछ ना कुछ खाने को इन लोगों को देते रहो। जब पुण्य करेंगे तभी सब आपके संकट कटेंगे, और पुण्य नहीं करेंगे, खाली पूजा करेंगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, समझ गए? ठीक है, 832 है, ठीक है, 770 देना है आपको। अच्छा, कोई बात नहीं, बात है, ठीक, 770 देना है। अच्छा, कौन कौन चीज कितने का हिस्से आगे लिख दिया है अभी? इसमें जो है अरे हमने सब मिला के 60% कम कर दिया है, ठीक है, ये नहीं 60% ये वही हमारे ही दाम का हो गया, ठीक है, ये टोटल आपका 65 रुपए कम हो गए पूरे। नहीं लेकिन ये जो जैसे दलिया है और नहीं आधे किलो आपने कहा ना लगाने तो उसमें हमने 2.5 किलो का ही लगाया है ना, 87 रुपए 50 पैसे, ठीक है। अच्छा, सारे में हमने 7% कम कर दिया। और बेसन में? बेसन में भी सब में नहीं, बेसन तो कटा वाला है, रिजेक्ट वाला है, तो उसका रिजेक्ट वाला दाम लगाओ बेसन का। भाई वो चूहा कटा हुआ है तो कोई तो ठीक है, आप जो है 772 है, ठीक है, आप 760 आप दे दो, ठीक है, 760। उसमें हमने 10-12% कम हो गया, ठीक है, ये 10-12%